तो फ्रेंड्स ये देखिए स्क्रीन पर जो आप ये वाला एप्लीकेशन देख पा रहे हैं, इसी एप्लीकेशन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन कहां से लेना है और कैसे लेना है ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको बताऊंगा इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो और कैसे मोबाइल पर सेट करना है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करोगे ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद देखिए ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद जो है नीचे देखिए नेक्स्ट वाला बटन क्लिक करना है। ठीक है, ये जो तीर सा बना हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद ये देखिए आप डन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप डन कर दीजिए। डन करने के बाद कुछ इस तरह का आएगा, आप ऐसे क्या करना है आपको स्क्रीन पर जो है टच करना है उंगली से, तो ये खुद ब खुद अपना काम करता रहेगा। ठीक है, जो करना है हाँ। उसके बाद ये देखिए ये है आपका पहला पेज, यहाँ पे आपको क्या करना है ये देख लीजिए, बहुत सारे टेक्स्ट का स्टाइल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा तरह तरह का। यहाँ पे देखिए गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, गुड नाइट का मिल जाएगा, तरह तरह का स्टाइलिश जो है वर्ड्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने को। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे अगर आप चाहते हो इसको शेयर करना है कैसे आप कर सकते हो, ये देखिए बहुत सारे तरीके हैं, तीन तरीके आपको दिया हुआ है यहाँ पे शेयर करने के लिए। तो ये देखिए पहले जो है ये देखिए कॉपी करके आप कर सकते हो, जैसे इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब हम फेसबुक में या फिर व्हाट्सअप में इसको भेजना है, तो कॉपी तो मैंने कर लिया, अब हमको व्हाट्सअप में जाना है। ये देखिए ये व्हाट्सअप में आ गया, व्हाट्सअप में आने के बाद जहाँ जिस नंबर पर हमको भेजना है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो है आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये देखिए आ गया है। ठीक है, आप इसको भेज सकते हैं। तो फिर हम बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद ये देखिए फिर आपको आर्ट्स मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ये देखिए यहाँ भी बहुत सारे आर्ट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप सेम प्रोसेस है शेयर करने के लिए, ये देखिए कॉपी करके भी शेयर कर सकते हैं, या फिर ये बीज वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करके ये देखिए आप चुन सकते हैं कि कहाँ पर आपको शेयर करना है। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, और एक ऑप्शन और है, डायरेक्ट आप अगर व्हाट्सएप में जाना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है थर्ड वाला ऑप्शन, क्लिक करके ये देखिए डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जहाँ जहाँ भेजना है क्लिक करके आप उस पर भेज सकते हैं। तो चलिए आपने देख लिया कैसे भेजना है और क्या क्या है इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टेटस यहाँ पे देखने के लिए इंटरनेट आपको ऑन करना पड़ेगा, इंटरनेट ऑन कर दिया, और ये देखिए टैप टू ट्राई। ठीक है, ये देखिए ये सब आपको मिल जाएगा, तरह तरह का स्टाइलिश टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक ऑप्शन और है यहाँ पर, ये देखिए ये सारा चीज़ जो है ये भी आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में फेसबुक में। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपने जान लिया, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहते हो कि डायरेक्ट आप व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में जब लॉगिन रहते हो तो वहीं पे आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो, तो वो आप कैसे लिख सकते हो वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम बैक आ जाते हैं। ठीक है, बैक आने के बाद ये देखिए आप इसको ऐसे रहने दीजिए, उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, आपका सेटिंग्स खुल गया। ठीक है, खुल जाने के बाद आपको नीचे आना है। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास जो है रियलमी C2 मॉडल नंबर ओप्पो का मोबाइल है, तो इसमें आप ये देख लीजिए सेटिंग्स आप देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन है, हो सकता है आपके मोबाइल में कोई अलग तरह से आए ये पेज। ठीक है, तो आप ढूंढ लीजिएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे जाना है, ये देखिए एडिशनल सेटिंग्स यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये देखिए कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए मैनेज कीबोर्ड्स यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको ये देखिए नीचे वाला जो ऑप्शन है इसको आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यूज़ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ये देखिए हरा हो गया, यानी कि परमिशन दे दिया हमने, अब इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बैक आ जाते हैं और व्हाट्सअप पर चलते हैं। व्हाट्सअप ओपन कर लिया, अब हमको देखिए किस तरह हम इसको भेज सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इस नंबर पर अगर मैं भेजना चाहता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका ये देखिए इंग्लिश जो है कीबोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ये देखिए पहले से हिंदी और इंग्लिश मैं सेलेक्ट कर रखा था, तो हिंदी इंग्लिश के बाद हिंदी आ गया, अब जो है वो आ जाएगा। ये देखिए आ गया। अब कैसे लिख सकते हो, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको देखना है कि किस डिजाइन में आप लिखना चाहते हो। ये देखिए बहुत सारा डिजाइन आपको मिल जाएगा, स्टाइलिश टैक्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये देखिए ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये देखिए कीबोर्ड का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। अब ये देखिए आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ये देखिए ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं ऐसे नहीं लिखना है, किसी और स्टाइल डिजाइन हमें लिखना है, तो यहाँ पे फिर क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए और फिर कीबोर्ड पर क्लिक कर दीजिए, फिर आप देखिए ठीक है, जैसे मर्जी आप वैसे लिख सकते हो, फिर इसको चेंज कर सकते हो, फिर कोई डिजाइन हो आपके पास ठीक है वैसे भी आप लिख सकते हो। ये देखिए बहुत सारे स्टाइलिश कीबोर्ड आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, अब मैं आपको बताऊंगा ये कहां से और कैसे लेना है। तो हम बैक आ जाते हैं और चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहां पे आपको सर्च करना है, ये देखिए यहां पे आपको सर्च करना है स्टाइलिश टेक्स्ट ठीक है। सर्च करने के बाद बहुत सारा आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि ये जो मैं इंस्टॉल कर रखा, तो ये वाला ये देखिए कर लीजिएगा, और उस टाइम अगर आपको नहीं मिला ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये फेक वीडियो है ठीक है। आपको ये सोचना है कि ये गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, तो तब आप कोई और एप्लीकेशन भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपने देख लिया ये वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है मोबाइल में, और इंस्टॉल करने के बाद जो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो आपको करना है और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही।